Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3rd. Hope that you all are doing good. Students, today we will learn how to compare 4 and 5 digit numbers on page number 18. For this, you have to remember some things. First, you have to remember these two symbols, greater than and less than. ये दो symbols आपको याद रखने हैं. ये symbol जो है ये use होता है greater than के लिए, और ये जो symbol है ये हम इस्तेमाल करेंगे smaller than के लिए. हमेशा यही हमारे पास ये symbol इस्तेमाल होंगे, ठीक है students. दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि always hungry crocodile goes for the bigger numbers. हमेशा जो हंग्री क्रोकोडाइल है हमारे पास वो बड़े नंबर्स की तरफ जाता है, उनको खाना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ से आप क्रोकोडाइल के माउथ को देख लें तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल है. यहाँ भी आप देखें स्टूडेंट्स. अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखना है फोर डिजिट नंबर्स को. फोर डिजिट नंबर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं जी थाउजेंड्स प्लेस वैल्यूज़ में जाते हैं, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जब भी आप नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप बड़ी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. फर्स्ट यू हैव टू चेक दी थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू, सेकेंडली यू हैव टू चेक दी हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू, देन चेक दी टेंस एंड लास्टली दी वंस. सबसे पहले थाउजेंड प्लेस वैल्यू को आप चेक करेंगे, देन हंड्रेड्स को चेक करेंगे, देन टेंस और फिर वंस को चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये मैं आपको एग्जाम्पल से करके बताऊँगी तो आपको ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा. आपने याद रखना है जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसके लिए हम लगाते हैं ग्रेटर देन का सिंबल, और स्मॉलर नंबर के लिए जो है, स्मॉलर देन के लिए हम जो है वो लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करूँगी जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर आप देखें, ये नंबर है मेरे पास 1652 एंड 1650. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल चेक द थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है स्टूडेंट्स. तो थाउजेंड प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास वन आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है. वन और वन क्या हो जाते हैं जी, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है. अब हम चेक करेंगे जी हंड्रेड्स प्लेस को. अब यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड प्लेस पे सिक्स है और यहाँ भी हंड्रेड प्लेस पे क्या है, सिक्स है, ठीक है. यहाँ तक हमें नहीं पता चला कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है, ठीक है. अब हम चले जाते हैं जी टेंथ प्लेस पे. यहाँ टेंथ प्लेस पे हमारे पास आ रहा है फाइव और यहाँ भी क्या आ रहा है जी, फाइव आ रहा है, ठीक है. यहाँ से भी हमें नहीं पता चला कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम आ जाते हैं वंस प्लेस पे. यहाँ वंस प्लेस पे टू है हमारे पास और यहाँ पर जो है वो ज़ीरो है. आपको पता है ना टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, टू जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है ज़ीरो से. तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चला ये वाला नंबर जो है ग्रेटर है. तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसके लिए हम ये सिंबल लगाएंगे, यानी ग्रेटर नंबर की तरफ माउथ ओपन होगा. हंग्री क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन होगा, यानी कि ही ऑलवेज गोज़ फॉर द बिगर नंबर्स. वो हमेशा बड़े नंबर को जो है वो खाना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरह अब हम देखेंगे ये दूसरी एग्जाम्पल. यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है नंबर है 2570. अब देखें हम फोर डिजिट नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम जो है बड़ी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो सबसे जो बड़ी प्लेस वैल्यू है वो है यहाँ पर टू, ठीक है. और यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ पर भी ये टू है, टू इज़ इक्वल टू टू. देन हम क्या करेंगे जी, हंड्रेड्स को चेक करेंगे. अब यहाँ पर है हमारे पास फाइव और यहाँ पर है हंड्रेड्स प्लेस पे सिक्स. सिक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव, विच इज़ यू नो, आपको पता है जिसके बारे में कि सिक्स जो है वो ग्रेटर है फाइव से. इट्स मीन ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है, यहाँ से हमें पता चल गया. तो हम क्या करेंगे, माउथ जो है वो ओपन करेंगे ग्रेटर नंबर की तरफ. इट्स मीन 2671 इज़ ग्रेटर देन 2570, ठीक है स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. सबसे पहले हम जो है थाउजेंड्स प्लेस को चेक करेंगे, थाउजेंड्स प्लेस पे जो दो डिजिट्स हैं उनको चेक करेंगे,
यानी एक डिजिट ये वाला और एक ये, इनको कंपेयर करेंगे, ये आगे इक्वल, देन हम हंड्रेड्स पे जाएंगे, हंड्रेड्स पे गए, हंड्रेड्स प्लेस पे फाइव है और यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पे सिक्स है, तो यहाँ से हमें पता चल गया सिक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव, सो दिस होल नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस होल नंबर. ठीक है, ये पूरा नंबर जो है ग्रेटर है इस पूरे नंबर से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से नंबर्स को कंपेयर करना है. स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 19 पे हमारे पास जो प्रैक्टिस है उसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, लेट अस प्रैक्टिस में प्लेस ग्रेटर देन आर स्मॉलर देन इन ईच बॉक्स. ठीक है, हर बॉक्स में हमने स्मॉलर देन और या लेस देन का सिंबल हमने लगाना है. ठीक है, विच डिजिट्स डिड यू कंपेयर, और जिस डिजिट को कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है कौन सा स्मॉलर है और कौन सा नंबर ग्रेटर है उसको हमने यहाँ मेंशन करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले पार्ट ए को हमें सॉल्व करके दिया है 5648. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले देखें 5 को कंपेयर करेंगे, जो कि 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये इक्वल है. देन हम 6 को कंपेयर करेंगे, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस को, यहाँ भी हंड्रेड प्लेस पे 6 है और यहाँ भी हंड्रेड प्लेस पे 6 है. देन हम क्या करेंगे जी, टेंस प्लेस को देखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या है, 4 है. फिर हम चले जाएंगे वंस प्लेस पे, 8 है और यहाँ 0 है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 0, सो दिस होल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0. और कौन सी प्लेस वैल्यू पे हमें पता चला कि नंबर कौन सा ग्रेटर है, वंस पे, यहाँ लिख दिया वंस. पार्ट बी को देख लें, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थाउजेंड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये इक्वल आ जाते हैं. फिर हम हंड्रेड प्लेस को कंपेयर करेंगे, 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये क्या है, इक्वल हो गए. देन हम टेंस को प्लेस करेंगे, टेंथ प्लेस को कंपेयर करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, सो दिस होल नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस. ठीक है, यानी ये पूरा नंबर ग्रेटर है, तो माउथ किसकी तरफ ओपन होगा, ग्रेटर नंबर की तरफ. ठीक है, अब आप देखें आपको कौन सी प्लेस पे पता चला कि नंबर कौन सा ग्रेटर है और लेस है. तो हमें कौन सी प्लेस वैल्यू पे पता चला, टेंस पे, टेंस पे 5 है और यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, टेंस. ठीक है जी, पार्ट सी देख लें जी. पार्ट सी में है हमारे पास एक नंबर 9004. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कंपेयर कैसे करना है नंबर्स को. तो यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास सबसे पहले हम बड़ी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, 9 है और यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 8. 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो ग्रेटर है इससे. अब ये नंबर ग्रेटर है तो इसकी तरफ क्या होगा, हंग्री क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, और कौन सी प्लेस वैल्यू पे हमें पता चला कि ये नंबर जो है ग्रेटर है इससे, हमें पता चला थाउजेंड्स प्लेस पे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब आप पार्ट नंबर डी देखें, हम सबसे पहले थाउजेंड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पे 6 है, यहाँ भी 6 है, देन हम कंपेयर करेंगे हंड्रेड्स प्लेस को, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये पूरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, माउथ ओपन हो जाएगा इसकी तरफ, और हमें हंड्रेड्स प्लेस पे पता चला कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे हंड्रेड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे फोर डिजिट नंबर्स. अब हम आ जाते हैं फाइव डिजिट नंबर्स पर. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें जो है वो फाइव डिजिट गिवन है, तो यहीं से मैं आपको बताती हूँ फाइव डिजिट को भी कैसे हम कंपेयर करेंगे. बहुत इजी है, बिल्कुल इसी तरह से. देखें फोर डिजिट नंबर्स में हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस तक वैल्यूज़, प्लेस वैल्यूज़ थी ना, यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड्स, यानी सबसे पहले आप टेन थाउजेंड्स को कंपेयर करेंगे. तो यहाँ टेन थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास 5 आ रहा है और यहाँ टेन थाउजेंड्स प्लेस पे 8 आ रहा है. और स्टूडेंट्स आपको पता है ना, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी 8 ग्रेटर है 5 से, तो दिस होल नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर, ये नंबर जो है वो ग्रेटर है. तो ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह से, यानी क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा उस नंबर की तरफ जो कि ग्रेटर है, यानी कि हंग्री क्रोकोडाइल जो है वो ग्रेटर नंबर को खाना चाहेगा. और प्लेस वैल्यू कौन सी से हमें पता चला कि ये जो है ग्रेटर है, 10,000. तो यहाँ आप लिखेंगे 10,000. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप बाकी के बॉक्सेस को भी फिल कर लेंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फिल इन दी सिंबल्स ग्रेटर देन आर लेस देन. तो इसी तरह से आप जो है इनको भी कंपेयर कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्व कर लेती हूँ एक दो बॉक्सेस को. पार्ट नंबर जी देखते हैं,
पार्ट नंबर जी में फोर डिजिट नंबर है, सबसे पहले हम बड़ी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। फोर है, यहाँ भी फोर है, तो ये तो इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ हंड्रेड प्लेस पे एट है और यहाँ हंड्रेड प्लेस पे नाइन है। नाइन इज़ ग्रेटर देन एट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर है इससे, ये नंबर ग्रेटर है तो इसकी तरफ हंग्री क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, पार्ट नंबर जे में टेन थाउजेंड्स, यानी ये फाइव डिजिट नंबर है तो टेन थाउजेंड्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ टेन थाउजेंड्स पे टू है तो यहाँ भी टेन थाउजेंड्स प्लेस पे टू है, ये इक्वल हो गए। हम किस पे चले जाएंगे जी, थाउजेंड्स प्लेस पे वन है, थाउजेंड्स प्लेस पे यहाँ भी क्या है वन, फिर से इक्वल हो गए। अब हम जाएंगे हंड्रेड्स प्लेस पे नाइन है तो यहाँ भी हंड्रेड प्लेस पे नाइन है, फिर से इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखेंगे जी टेंथ प्लेस को, टेंथ प्लेस पे एट है, यहाँ टेंथ प्लेस पे सेवन है तो एट इज़ ग्रेटर देन सेवन। ये एट जो है ग्रेटर है इससे, इट्स मीन ये पूरा नंबर जो है वो ग्रेटर है इस नंबर से, तो ग्रेटर देन के लिए साइन हम ये लगाते हैं, माउथ ओपन हो गया इस नंबर की तरफ जो कि बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज, ओके। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 33 पे, ठीक है, इसको भी आपने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर ए देखेंगे, यहाँ पर भी हमने बॉक्सेस में जो है सिंबल्स लगाने हैं ग्रेटर देन और लेस देन के। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहला है हमारा पार्ट नंबर ए है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ रहे हैं नंबर्स, अब आ रहे हैं सिक्स डिजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स सिक्स डिजिट नंबर्स को भी सेम उसी तरह से हमने जो है वो कंपेयर करना है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, देन हंड्रेड थाउजेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलें ठीक है, आप पेज नंबर 19 को ही कंप्लीट करें। ये जो है हंड्रेड्स प्लेस आपके लिए नई प्लेस आ रही है, तो उससे अगर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, सिर्फ आप इसको कंप्लीट कर लें, वो मैं नेक्स्ट आपको जो है करा दूँगी।